कैसे हो आप सब। जैसे कि आपको पता है कि अभी अजय देवगन की स्टारर फिल्म दृश्यम 2 जो रिलीज हुई है उसको पब्लिक का जबरदस्त प्यार देखने को मिल रहा है। और आपको पता है इस हफ्ते रिलीज होने वाली वरुण धवन की फिल्म भेड़िया भेड़िया को लेकर जबरदस्त क्रेजनेस बनी हुई है। जी हाँ, लोगों ने बहुत जबरदस्त एक्साइटमेंट है इस फिल्म को देखने के लिए। उसका रीजन ये है कि इस फिल्म में पहली बार जो ट्रेलर अभी तक आया है सामने उसमें वरुण धवन कहीं ओवर एक्टिंग करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस लोगों को जबरदस्त लग रही है। और प्लस उनका जो एक डांस का सॉन्ग रिलीज किया गया है वो जबरदस्त लोगों को लग रहा है। तो लोगों को मानना है कि फिल्म बाकमाल होगी। जैसे कि हमने वरुण धवन को सीरियस एक्टिंग में बदलापुर में देखा था, उसमें उनकी एक्टिंग एक नंबर थी जो आदमी कोई बोल नहीं सकता। जबरदस्त एक्टिंग की थी नवाजुद्दीन सिद्दीकी के सामने। तो उसी तरीके से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भेड़िया भी उसी तरीके से जबरदस्त एक्टिंग देखने को वरुण धवन की फिर से हमको मिलने वाली है। और ये फिल्म जो है इस फ्राइडे को रिलीज होने वाली है। और जैसा कि दृश्यम 2 जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रही है उस हिसाब से भेड़िया को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सामना करना पड़ेगा। कहना है कि कोई एक्टर के बारे में जब कोई चीजें निगेटिव चलती हैं तो वो हर तरफ से जब निगेटिव आने लगता है तो लोगों को लगता है ये एक्टर बहुत ही बुरा है। और ये चीज मैं भी कहता हूँ कि ओवर एक्टिंग की दुकान वरुण धवन को जो बोला जाता था वो गलत नहीं था, बिल्कुल सही था। उनकी कई ज्यादातर फिल्में आप उठा के देख लो तो उनमें उनकी ज्यादातर ओवर एक्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बट जिस फिल्म में ये थोड़ा बहुत सीरियस होकर आते हैं तो फिल्म में उनका परफॉर्मेंस जबरदस्त होता है। तो ऐसा हमने उनको बदलापुर में भी देखा था। तो उसी तरीके से ये फिर से हमको देखने को मिल रहा है भेड़िया के ट्रेलर में भी। और इन लोगों को उम्मीदें बढ़ना भी लाजमी है क्योंकि वरुण धवन जब ऐसे रोल में रहते हैं तो जबरदस्त फिल्म होती है। और जिस टॉपिक पे फिल्म बनी है भेड़िया वो लोगों को जानने का ज्यादा एक्साइटमेंट है कि आखिर फिल्म में होता क्या है। वरुण धवन के अंदर भेड़िया एक आ जाता है जो रात में भेड़िया, जैसे कि हमने एक फिल्म जुनून देखी थी राहुल राय की, उसी तरीके के बेस पे है कि राहुल राय रात में शेर बन जाते हैं तो ये भेड़िया बन जाते हैं। फिलहाल इसका जो गाना है वो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। तो इस फिल्म को देखने के लिए भेड़िया को हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि मिलते हैं आपसे नेक्स्ट।